दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम आप सभी को लेके जाएंगे बिलासपुर का गणेश पंडाल, जहां इस बारी 2023 में एक से बढ़कर एक गणेश भगवान की मूर्ति देखने को मिली, जिसमें कुछ मूर्तियां दोस्तों पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, तो कुछ मूर्तियां रेशे से बनी हुई थी, तो कुछ मूर्तियां जुरासिक पार्क वाली है। तो चलिए अब सभी को संपूर्ण बिलासपुर भ्रमण कराते हैं और यहाँ की मूर्तियाँ दिखाते हैं। दोस्तों आज हम लोग आप सभी को लेके आ चुके हैं बिलासपुर का गणेश पंडाल दिखाने के लिए। अभी मैं हूँ दोस्तों बिलासपुर के गोल बाजार में, और यहाँ पे देख सकते हैं पंडाल है। तो अभी अपन लोग अंदर चलते हैं और अंदर जाकर यहाँ का जो गणेश मूर्ति है उसे दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ का सजावट देख सकते हैं आप सभी, गोल बाजार पे है बैठा हुआ है। देखिए यहाँ देख सकते हैं सिद्धि माता भी है, और पंडाल देख लीजिए आप सभी, ये है गोल बाजार के सामने जो मंदिर है वही बैठा हुआ है। ये है यहाँ की मूर्ति। अभी अपन लोग चलिए और बिलासपुर घूमते हैं, और एक यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों पेड़ों के ऊपर में ये जो पंडाल है उसे बनाया गया है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा सजा दिए गए हैं। चलिए दिखाते हैं थोड़ा करीब से आप सभी, यहाँ पे गणपति पप्पा को देख सकते हैं, काफी सुंदर है, और पेड़ों के ऊपर में ये जो मूर्ति है उसे बिठाई गई है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा पेड़ है, लाइटिंग से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये है गुरुद्वारा के सामने, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। देख एक दोस्तों राजकिशोर नगर पे ये देख सकते हैं जुरासिक पार्क वाला जो है गणेश पंडाल है, यहाँ पे देख लीजिए, वाह यार खूबसूरत सा गणेश भगवान हनुमान जी कृष्ण जी, देखिए बहुत ही सुंदर है। पूरा जो जुरासिक पार्क है वो वाला फीलिंग यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। शिवा तो अभी अपन लोग जा रहे हैं दयाल बंद तोरवा की ओर, मस्त लाइटिंग लगा हुआ है इधर तो। तो दोस्तों यहाँ का पंडाल देख लीजिए मस्त है, एकदम खूबसूरत सा ना, और गणेश भगवान को भी आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पंडाल है वो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए और घूमते हैं बिलासपुर। दोस्तों ये है शिव की से अभी कहाँ जा रहे हैं अपन लोग, उर्वा उर्वा पावर हाउस। चलिए दोस्तों वहां मिलते हैं सीधा। एक यहाँ का पंडाल देख लीजिए दोस्तों, अंदर से दिखाता हूँ गणपति बप्पा को, वहाँ यार यहाँ का भी डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए यहाँ से आप सब देख सकते हैं जो पूरा पंडाल है उसे, देखिए काफी सुंदर है। एक इधर देख लीजिए दोस्तों ऊपर से पंडाल का गणपति पप्पा, ये है कुछ देख सकते हैं रथ में कृष्ण, देख लीजिए दोस्तों बहुत ही सुंदर मूर्ति है, रथ पे है और इधर घोड़ा है, गणेश भगवान को देख सकते हैं कृष्ण भगवान की तरह, और रिद्धि सिद्धि माता भी है नीचे में देख सकते हैं। यहाँ पे मोर है, कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये था तोरुआ का, अब आगे बढ़ते हैं। चलो श्री विघ्नहर्ता गणेश उत्सव सेवा समिति द्वारा बिठाया गया है,
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर गणेश भगवान की मूर्ति, सोने के हार की मूर्ति है, वो चमक रहे पंडाल। और आगे बढ़ेंगे तो आप स्वर्ण के समान यहाँ पे पंडाल है दोस्तों, ये पंडाल देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बलवंत कुमार की तरह शंकर भगवान और पार्वती मैया के यहाँ पे एक पंडाल ये है दोस्तों, फ्रेंड्स क्लब गणेश उत्सव समिति द्वारा, देख लीजिए यहाँ पे ये जो पंडाल है, ये हवा है जो चौक है उस पे बैठा हुआ है, यहाँ का डेकोरेशन देख सकते हैं पूरा लाइटिंग से अभी आधी। दोस्तों यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति है जो कि पूरे रेशे से धागों से बनी हुई है, देख सकते हैं। वाह यार कमाल का है, देख सकते हैं ये पैर देखिए, पूरा जो अपना जो धागा होता है उसी से बना हुआ है। ये गणेश आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमें जरूर बतावे। भैया ये कहाँ से बना है? ये प्रेम मूर्तिकार सिरगिट्टी से। सिरगिट्टी में कोई प्रेम मूर्तिकार है दोस्तों, उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये मूर्ति को देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, आकर्षक का केंद्र है, यहाँ पे आप जरूर आवे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो पंडाल है इसे बेहद खूबसूरत सी गणेश भगवान की मूर्ति, पीछे में डमरू है शिव जी का, सुंदर है ये भी। इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, बिलासपुर में एक से बढ़कर एक गणेश भगवान की मूर्ति बैठी हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको कौन सी मूर्ति सबसे ज्यादा आकर्षित थी आप हमें कमेंट करके जरूर बतावे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, बने रहे हमारे साथ, अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।